हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से आप और हम हमेशा खुश और अच्छे रहे। तो आज गाइस मैं नहा सुना कर रेडी नहीं हुआ, और गाइस अभी मैं नहाया सुनाया नहीं हूँ क्योंकि गाइस सुबह गए थे ट्यूशन और अभी बज रहे 7:30। और गाइस अभी थोड़ा देर बाद नहाएंगे, और गाइस अभी चाय बना लिया, चाय और रोटी है गाइस, आज चाय रोटी खाएंगे। और गाइस सुबह सुबह गए थे 5 बजे ट्यूशन, ठंडा भी लग रहा था, टी शर्ट पहन कर गए। भाई साहब आज बहुत ठंडा लग रहा था, वैसे अक्टूबर आ गया है तो बहुत ज्यादा ही ठंडा लगने लगा। और भाई साहब और फेस्टिवल आ रहा है गाइस अपने लोग का, छठ पूजा और दीपावली आने वाला है। एक दुर्गा पूजा खत्म हुआ, छठ दीपावली आने वाला है। और गाइस यही है, तो कल से गाइस सुबह सुबह जाएंगे ट्यूशन, तो शर्ट पहन लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लगता है भाई रास्ते में, और ट्यूशन में भी लगता है। और गाइस आज चाय रोटी खा रहे, इतना सालों बाद हम चाय रोटी खा रहे हैं। बचपन में खाते थे और चाय रोटी, और अभी खा रहे हैं, अभी मन किया गाइस इसीलिए खा रहे हैं भाई, बहुत दिन हो गया। तो गाइस खाना कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस पहले रोटी को रोल कर लेते हैं हम, उसके बाद इसको ऐसे डुबाने का, उसके बाद गाइस ऐसे खाने का। तो गाइस खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नहाने सुनाने के बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली नहा सुनाकर हो गया, स्कूल जाने के लिए रेडी, ड्रेस पहन लिए गाइस। और गाइस पूजा पाठ हमेशा की तरह कर लिया है भगवान जी का, और गाइस अभी जाने के लिए हो गए रेडी। तो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में रोटी भुजिया, तो गाइस भूख भी लगेगा इसीलिए यहीं से खा लेते हैं, एग्जाम में थोड़ी ले जाना होता टिफिन, तो गाइस खा लेते हैं यहीं से रोटी भुजिया, लेकर आते निकालते किचन से। तो गाइस ले लिया है, यहाँ पे रोटी है और भुजिया है, तो गाइस चाय बिस्किट खाई थे तो इसीलिए दो ही रोटी ले गया। तो गाइस खाते अपना नाश्ता भुजिया रोटी और चलते स्कूल के लिए। तो गाइस स्कूल जाने के लिए हो गया रेडी, नाश्ता नुश्ता कर लिए हैं। और गाइस आज है एग्जाम सोशल साइंस और साइंस का, कल था और आज है और परसों, तीन ही दिन है गाइस, 6 सब्जेक्ट है, तो हर दिन दो दो कर कर लेते हैं एग्जाम। तो गाइस रेडी हो गया जाने के लिए, और आपसे मिलते हैं गाइस सीधा स्कूल से आने के बाद। तब तक गाइस बने रहे वीडियो में, आप प्रे करना मेरा एग्जाम अच्छा जाए प्लीज गाइस, प्रे करना। तो गाइस मिलते हैं स्कूल से आने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, कैरी ऑन गाइस। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस फाइनली आ गए स्कूल से, और गाइस ड्रेस कर लिए चेंज, पहन लिए गाइस लूजर और टी शर्ट, और गाइस मस्त गया एग्जाम साइंस और सोशल साइंस का था, बहुत मस्त गया गाइस, आज भी गया, कल भी मस्त गया, और कल और एक है, दो एग्जाम है, वो भी अच्छा चल जाए भगवान की कृपा से, बस यही है। तो गाइस अभी मंगवाते हैं खाना क्योंकि भूख लग रहा है, तो गाइस फटाक से मंगवाते पहले खाना। तो गाइस अभी खाना पीना अपना हो गया, मस्त सा पेट भर गया, और गाइस अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं क्योंकि गाइस हम लोग का एग्जाम लेने के बाद भाई 4 बजे तक चार बजे तक स्कूल में पढ़ाई करवाता है, एग्जाम ले लेता है 1 बजे तक, उसके बाद गाइस 3 घंटा पढ़ना पड़ता है स्कूल, तो इसीलिए लेट हो जाता है, और गाइस इसीलिए लेट आए हैं, तो फिर मतलब बैठे बैठे उसके बाद खाना खाए इसीलिए लेट हो जाता है गाइस, इसीलिए 5:30 बज गया है। तो गाइस अभी खाना पीने के बाद, खाना खाने के बाद गाइस अपना गरम इवनिंग टी आ गया गाइस, जो कि हमने बनाए हैं, मम्मी बनाई है, तो गाइस पीते अपना गरम टी, सॉरी इवनिंग टी गाइस, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, तो पीते गाइस। तो गाइस फाइनली एक बात आ गया मेरे दिमाग में, जो कि कितना दिन से सोच रहे थे पुशअप करने का। गाइस मेरा दोस्त है एक स्कूल वाला, वो बोलता है जो हम पुशअप मारते हैं 20 डेली, तो उसका गाइस 6 पैक निकल गया, पूरा रियल में 6 पैक निकल गया, और हमको बोलता पुशअप मारने, तो गाइस हम इसलिए मार देते, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो हम डेली हम 25 मार देते हैं गाइस, दिन भर में 20-25 मार देते होंगे। तो गाइस लगातार 25 बार मारना बहुत ही मेरे लिए तो मुश्किल है, बाकी दूसरे का नहीं पता, तो मेरे लिए तो 25 बार लगातार मारना मुश्किल है, 15 लगातार मार देते हैं, आज ट्राई करेंगे गाइस पहली बार 25 पुशअप लगातार मारने का, तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो गाइस रेडी हो गए हैं भाई साहब, हो जाए भगवान की कृपा से, तो चलिए गाइस जय हनुमान जी, मारते हैं पुशअप। तो गाइज अभी पुशअप मारने के बाद खाना पीना हो गया गाइज, खाने में रोटी सब्जी था, नहीं दिखा पाए सॉरी गाइज। और गाइज अभी आ गया है गाइज एनर्जी बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स, ये रहा पुशअप मारे ना इसीलिए एनर्जी बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स आ गया।
पर गाइज क्या एनर्जी बढ़ाना गाइज, 25 बहुत कम है बट लगातार 25 बार मारना मेरे लिए गाइज बहुत ज्यादा है। लगातार नहीं मारे थे कभी, आज पहली बार मारे थे और हो गया सक्सेसफुली 25 बार मार दिए भाई। हाथ थरथराने लगा जब 25-24 आया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था बट कोई बात नहीं, लगातार 25 बार पहली बार मारे गाइज। और 30 बार मार लेते एक मिनट, और इससे पहले सुबह में 10 मारते थे और शाम को 15, यही था 20-25 मिला, दिन भर में 20-25 मारते थे बट आज फर्स्ट बार गाइज एक बार में ही 25 मार दिए। और विपाशा कुछ बोल रही है, बोलिए। हम तो 30-40 बार मार लेते अकेले, मतलब ऐसे एक बार में ही। चलो जल्दी से एक बार तुम मार कर दिखा दो, एक बार अच्छा से मार दी समझ जाएंगे विपाशा। हाँ चलो जल्दी से उठो, जल्दी से एक। हाँ चल हो गई, गिर गई ना, देखे गाइस इसका झूठा झूठ तुम्हारा पकड़ा गया, एक बार भी नहीं हुआ अच्छा से। विपाशा का सच पकड़ा गया, वो नहीं मार पाई पुशअप। सच नहीं, झूठ पकड़ा जाता है। हाँ तो वही तुम्हारा सच, मतलब जो तुम एक बार भी नहीं मार पाती तो सच ही हुआ ना, तुम्हारा सच पकड़ा गया है, तुम कभी भी मारती नहीं हो। क्या ही कर रही है, फिर गिर गई भाई साहब, एक बार भी इससे नहीं हो रहा गाइस, और मिट्टी से भी एक बार भी नहीं हो रहा है, हमसे हो रहा है भाई। अरे 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 ये मार रही, हो ही नहीं रहा इससे। तो गाइस पीते अपना बॉम्बिटा, आज हॉर्लिक्स के जगह ये बॉम्बिटा मंगवा ली, तो पीते गाइस बॉम्बिटा। गाइस आज बनाई थी विपाशा हमारे लिए और अपने लिए बॉम्बिटा। हम ही बनाते हैं, और कौन बनाता है, और कभी कभी हम भी बनाते हैं गाइस। नहीं झूठ, नहीं झूठ नहीं बोलने का, सच सच बोलो, कसम से बोलो, हम बनाते हैं कि नहीं कभी कभी? कभी नहीं, ये झूठ बोली, आपको तो विश्वास है ना हम पे। और गाइस यहाँ पे रही मीठी, जो कि इसके लिए दूध खत्म हो गया था बिचारी के लिए, तो ये फिर से मंगवाई है आधा लीटर, गए हैं लाने। तो क्या कहना चाह रही हो तुम? बहुत कष्ट है, ना इंसाफी हो रहा है तुम्हारे साथ। इसका चेहरा गाइस कैसे बोलते हो, बहुत ज्यादा भिखारी जैसे। क्या बोली? भिखारी जैसे, कोई कटोरा लेके यहाँ पे बैठ जाए, हमको बहुत कष्ट पाले। भाई साहब बहुत मस्ती मजा आ रहा है गाइस, रियल की भिखारी थी पिछले जन्म में, अभी रोल करके दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप कौन है ऐसे, हां दे दो कोई कुछ ऐसी, इसलिए हम ऐसे बोले, तो नाटक कर। दोनों भिखारी गाइस, हम पैसे वाले हैं, दोनों भिखारी है मेरे सामने, मैं पैसा वाला हूँ गाइस। इसका उल्टा बोल दीजिएगा गाइस, मतलब हम दोनों अमीर और मेरा भाई गरीब, भीख दे। नहीं नहीं, हम पैसे वाले भाई, आप समझते हैं ना, बाकी दुनिया से हमको क्या लेना। तो गाइज इसके लिए दूध आ गया था और यहाँ पे इसके पास हॉर्लिक्स है, ये बना ली है, अब ये ठूसेगी मतलब पिएगी। कैसे देख रही है भाई चुड़ैल कहीं की, कैसे देख रही है चुड़ैल, एक बार फिर से देख। और गाइज मिट्टी पी रही है और विपाशा, और हम देख रहे हैं गाइज क्योंकि हम मेरे से कितना जलता, इतना इतना सोच नहीं सकते हैं। और गाइज क्योंकि हम लोग पी लिए थे और बॉम्बिटा, तो यही है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, बताना कैसा लगा आपको, बॉर्नविटा में ज्यादा स्ट्रॉन्गली मिलता है या क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स में, बता देना किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बोन्स। इतना बड़ा हो गया। और इसका बाल भाई साहब, इसका बाल बहुत मस्त है भैया साहब, पीछे से पीछे भाई साहब, ये फ्रॉक स्कर्ट को क्या बना ली, स्कूल ड्रेस का स्कर्ट को। तो गाइज आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, बताना कैसा लगा आपको, पसंद आया तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लेना, मिलते गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, जय श्री राम।